भी मैं ऑन कर दी, ब्रेक को क्या कर सकता हूँ मैं, नीचे कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, नीचे कर दूंगा तो फिर तो आपका 3 वाला भी प्रिंट हो जाएगा, 45 भी आ जाएगा। ओके, जब मैं इसको नीचे कर दूंगा तो फिर वो 3 वाला भी प्रिंट हो जाएगा, इतनी 45 भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह पर 2 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 2, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 किया, अभी मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट में सिर्फ ओनली रेड एंड ब्लू ही आएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी का? अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए ब्रेक स्टेटमेंट में। अगर इसको सर, कंप्लीट, उसने जो 2 नंबर था वहां से काट दिया, मतलब रेड और ब्लू शो हुआ है, 0 और 1। तो जैसे ही उसको 2 मिला, 2 आया तो इसके अंदर आया, इसके अंदर ब्रेक पड़ा हुआ है, ब्रेक मिला उसको, वैसे क्या कर देगा, लूप से बाहर कर देगा। देखो अभी इसको अगर मैं लूप इसके इफ कंडीशन के अंदर ही डाल रहा हूँ ब्रेक को, ब्रेक को मैं क्या कर देता हूँ, इनिशियल फर्स्ट लाइन बना देता हूँ इस लूप की, फिर देखना आउटपुट क्या आ रहा है। अगर मैंने फर्स्ट लाइन बना दी ब्रेक ब्रेक को, फर्स्ट लाइन बना दिया ब्रेक को, अभी देखो आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे मैं इसको, सॉरी अभी तो ये इंडेंटेशन प्रॉब्लम है क्योंकि इसको प्रॉपर साइड में मैं करना टैप कर देता हूँ। अभी देखो आउटपुट कुछ आया नहीं आया, रीजन क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही ब्रेक चल गया। जब ब्रेक आपको पहली लाइन में आपको क्या मिला, ब्रेक मिला, ब्रेक मिला तो उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब आपके लूप को ब्रेक कर दिया। अभी हम कंडीशन दे के ब्रेक करा रहे थे, अभी हम डायरेक्ट ब्रेक करा रहे हैं, फिर कर सकते हैं ना ऐसा, क्यों बेटा कोई दिक्कत इसमें, इतना करने में, ऐसा करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नो सर, नो सर, अभी देखो मैं रन करूंगा तो अभी आउटपुट क्या आएगा बताऊं, अभी आउटपुट क्या आएगा, सर नॉर्मल सर जो ऊपर लिखा है वही क्या आएगा, है कैसे आएगा, सर ब्रेक हो जाएगा पूरा। ब्रेक तो हो जाएगा, बट अभी ब्रेक स्टेटमेंट से पहले आपने प्रिंट क्या करा दिया है, प्रिंट VAR करा दिया है, तो लूप आपका चलेगा तो फर्स्ट टाइम उसका क्या करेगा, प्रिंट करा देगा, क्या प्रिंट कराएगा, जो आपको X0 पे जो वैल्यू है ना, जैसे फर्स्ट टाइम चला तो जब ये चला तो यहाँ पे एक्स की जो VAR की वैल्यू क्या थी, 0 थी, X0 पे क्या रखा हुआ है आपका, रेड, तो रेड तो प्रिंट हो सर जाएगा। रेडी आएगा। हाँ रेड प्रिंट होने के बाद ब्रेक होगा, ऐसा ही होगा ना प्रोग्राम, देखिए रेड आया फिर उसके बाद ब्रेक हो गया, इतना क्लियर हुआ। सब प्रिंट XVAR क्या लिखा है? ओके देखो सबसे पहले आपको ये समझना है, यहाँ पे मैं एक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले जब लूप चला तब आपका VAR की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ओके फर्स्ट टाइम लूप चला तो क्या होगा, VAR की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद उसको वहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया तो वो लूप से बाहर कर देगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता तो VAR की वैल्यू सेकंड टाइम पे क्या हो जाती, बन हो जाती, बन के लिए चलता लूप, VAR 2 के लिए चलता, VAR 3 के लिए लूप चलता, चलता ना, और सर देन वो वी फिर 0 से ही ब्रेक हो गया। हाँ VAR 4 तक चलता, इतने टाइम लूप चलता, मतलब यहाँ पे रेंज कितनी थी, 5 थी, तो 5 टाइम चलना था, 0 से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 4, ये कितना चलता। यहाँ से एक स्टूडेंट का डाउट था कि रेंज फंक्शन, तो रेंज फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, रेंज फंक्शन की यहाँ पे जो रेंज है ना, यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे आपका 5 है, तो यहाँ पे आपका 5 है रेंज फंक्शन, तो रेंज फंक्शन यहाँ पे 5 है, तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि जो रेंज फंक्शन है वो 0 से चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, और लास्ट वाले के लिए नहीं, मतलब इसकी रेंज क्या है, 5 तक, 0 से 5 4 तक चल जाएगा। ओके रेंज फंक्शन समझ में आया ये यहाँ से। अब ये वाला रेंज फंक्शन है, अगर रेंज फंक्शन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बंद कर देता हूँ और कॉमा लगा देता हूँ तो ये इसके लिए भी नहीं चलेगा, ये VAR 0 भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट क्या चलेगा आपका, 1 से 1 2 3, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका। ओके अगर मैं यहाँ पे, स्टार्टिंग हाँ पॉइंट सर 1 हो जाएगा ना। अभी देखो ये, अभी मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, अभी क्या चलने वाला है, अभी बताइए कौन कौन सा चलेगा मुझे बताइए,
यहाँ पे ये मैंने कर दिया तो अभी क्या क्या चलने वाला है, यहाँ पे आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका वन, एंडिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे बेटा फाइव, यहाँ पे आपने टू यूज किया, टू क्या है जो तीसरा वाला जो वो होता है ना आर्ग्यूमेंट, वो होता है आपका क्या स्टेप होता है, तो वो स्टेप बताएगा, तो यहाँ पे स्टेप लग जाएंगे, वन के बाद पहले वन चलेगा, ठीक है, वन के बाद टू स्टेप इंक्रीज होके क्या चलेगा थ्री चल जाएगा, तो वन प्रिंट होगा और थ्री प्रिंट होगा, ये करके बताऊं मैं यहाँ पे? यस यस सर। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे हटाता हूँ मैं, हाँ ये हटाया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपका रेंज में स्टार्टिंग पॉइंट वन किया मैंने, एंडिंग पॉइंट फाइव किया, स्टेप डाल दिया मैंने टू की, इसको मैं कर रहा हूँ रन सर, मतलब वन और थ्री चलेगा ना, ब्लू चलेगा ओनली, थ्री चला ओनली, सॉरी ये नहीं ब्लू क्या है, वन चला ना, वन वन चला, वन के बाद उसने क्या किया अभी हमने सही को ब्रेक हो गया है, सॉरी यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है, ब्रेक को हटाना था मुझे, अभी देखो अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आया, आउटपुट विंडो दिख रही है, इसकी वजह से लैग कर रही है क्या, अभी दिख रहा है ना आउटपुट, ब्लू आया और क्या आया, फर्स्ट वाला आया और थर्ड आया, हाँ तो फर्स्ट थर्ड ही आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ से वन फाइव और टू है, तो पहला वाला चलना है उसको, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा टू का इंक्रीमेंट होगा वन में, तो क्या हो जाएगा थ्री, हाँ तो थ्री वाला चला, उसके बाद थ्री के बाद टू का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, फाइव होगा ना, बट फाइव तो लास्ट एंड पॉइंट है, तो फाइव एंड पॉइंट तो चलता ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे जीरो कर देता, यहाँ पे क्या कर देता मैं जीरो कर देता, अभी इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जीरो कर देता, अभी सारा ही चला गया, बट यहाँ पे कर देता हूँ कोड में कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको जीरो कर दिया, वन की जगह पे क्या कर दिया जीरो कर दिया, अभी बताओ अब क्या होने वाला है, अभी क्या क्या प्रिंट होगा सर, रेड, वेरी गुड, रेड के सर, रेड रेड 12 और 45.5 रेड एंड 45। देखो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, उसके बाद आउटपुट देखिए, रेड आया 12 आया 45.5, रीजन पहले जीरो के लिए चला, फिर उसके बाद किसके लिए चलेगा टू के लिए, और फिर उसके बाद चलेगा फोर के लिए, फोर पे आपका क्या रखा है 45.5 ना, ऐसे ही तो हुआ है, देखो जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स और फोर इंडेक्स, तो आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे जीरो इंडेक्स, टू इंडेक्स, सर मतलब जीरो वाला भी चलेगा फिर वो टू प्लस प्लस करके चलेगा ना? हाँ टू प्लस प्लस करके चला हुआ है, ओके, तो यहाँ पे आपको रेंज फंक्शन समझ में आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे दो ही इनपुट लेता हूँ तो क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक एंडिंग पॉइंट होता है, अगर मैं थ्री यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेता हूँ तो क्या होता है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टेप, ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ओके, यहाँ पे किसी को इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके okay, इसके बाद देखिए आज मैं यही करा रहा हूँ क्योंकि मैं टॉपिक तो नया कराना चाह रहा था, बट अभी एक और प्रोग्राम देख लीजिए, ये वाला सभी को समझ में आया था ना, यस सर आ गया, रेंज वाला ना, किस, हाँ रेंज वाला और ब्रेक, हाँ, वाला सर आ गया, ब्रेक के बाद उसमें हाँ कंटिन्यू भी यूज करना था ना उसमें, वो तो सभी का हो गया ना कंटिन्यू वाला, उसमें क्या होता है मुझे कोई बताए, बताएगा कुछ मुझे कोई, मुझे कोई, यहाँ पे आपने ब्रेक वाला तो यूज कर लिया, ब्रेक के अलावा मैंने दूसरा वाला कीवर्ड भी बताया था ना, एक किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, वाय सभी को समझ में आया था ना कि कराना है फिर से, वो भी सर करा दो, हाँ स्टेटमेंट क्या था वो सर, कंटिन्यू, हाँ तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक कंडीशन डाल दो, यहाँ पे देखो ये वाला था ना, इसको मैंने सेव नहीं कर पाया था, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इफ कंडीशन में इसको ऐड करूँ, इफ सी ए आर इक्वल इक्वल क्या होता है आपका,
टू होता है, क्या होता है वी आर इक्वल इक्वल टू होता है, तब हमको क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? कंटिन्यू हो जाए कब, जब आपका वी आर इक्वल इक्वल टू होता है। अभी देखिए अभी आउटपुट क्या आने वाला है बताओ, अभी आउटपुट क्या आने वाला है, कौन प्रेडिक्ट कर पाएगा आंसर फास्ट जैसे ही इसको टू मिलेगा? सर 12 है टू पर तो। हाँ तो वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, पहले तो रेड आ जाएगा ठीक है, उसके बाद 45.5 आंसर आएगा, ये दो ऑप्शन आएंगे रेड और पर्पल। यहाँ पे लास्ट वाले में क्या हो रहा था आपका 12 भी आ रहा था, 12 आना चाहिए था क्योंकि तो स्टेप लगा है ना उसमें टू टू का, तो 12 भी आना चाहिए, बट वो 12 स्किप क्यों हो गया, रीजन क्या है इसमें? जैसे ही इसने क्या किया आपका वी आर इक्वल इक्वल टू हुआ तो उसने क्या कर दिया स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर दिया, तो इट मीन्स ये यहाँ से ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ये यहीं से इसको फिर से यहाँ पे रिपीट कर देगा कि भाई आगे बढ़ जाओ, आप क्या हो जाओ आगे बढ़ जाओ, उस वाली लाइन को फिर से समझा रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे आपने ये लूप चला, लूप कितनी बार चला है यहाँ पे, लूप चला है आपका, लूप कितनी बार चलेगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लूप कितनी बार चलेगा यहाँ पे, लूप आपका तीन बार, थ्री टाइम चलेगा, एक जीरो के लिए चलेगा और टू के लिए चलेगा और किसके लिए चलेगा, फोर के लिए, फाइव के लिए, फाइव के लिए नहीं चलेगा फोर के लिए चलेगा, जीरो टू फोर ये चलेगा ना, जैसे जीरो हुआ फिर उसके बाद टू ऐड हो जाएगा, टू उसके बाद टू में टू ऐड हो जाएगा, जीरो थ्री और बस, सॉरी जीरो टू और फोर के लिए चलेगा। चलो ठीक है, अगर अभी आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको टू को भी हटा देता हूँ, टू हटा दिया तो अभी आपका जैसे अभी मैं फाइव कर देता हूँ ऑनली से ऑनली, कितना कर दिया अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अभी तो पता है ना आपका जीरो से चलेगा और फाइव तक जाएगा ओके, बट यहाँ पे भी आपका 12 प्रिंट नहीं हुआ, रीजन क्या हुआ ये देखिए, उसे छोड़ के उसने कंटिन्यू कर दिया, उसको छोड़ के सर जो टू नंबर पे था उसको छोड़ दिया और आगे पीछे आगे कंटिन्यू कर दिया। जैसे देखो ये कंटिन्यू यहाँ पे फर्स्ट लगा हुआ है उसके बाद यहाँ पे प्रिंट है, तो ये वाली लाइन तो तब चलेगी ना जब ये यहीं से कंटिन्यू कर देगा, तो ये लूप पे फिर से पहुंचा देगा कि भाई अगला वाला दिखाओ, जैसे मुझे जाते हैं ना साड़ी वाड़ी खरीदने या फिर कुछ भी क्यों वाले ये वाला नहीं चाहिए मुझे, पेन लेने जाते हैं तो ये वाला नहीं चाहिए अगला वाला दिखाओ, तो जैसे आप जाते हो आपके पेरेंट्स जाते हैं दोनों लोग जाते हो ना, जैसे कई कई बार सिचुएशन बनती है तो उसने एक पेन दिखाया आपने दूर से ही देख लिया, आपने बोल दिया कि भाई इसको नहीं दूसरा वाला लेके आओ, तो आपके पेरेंट्स तक तो वो पहुंचा ही नहीं, उसने क्या दूसरा लिया फिर उसके बाद लेने आ गया दिखाने आ गया, तो कई कई टाइम पे तो हम भी कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं अपने डेली लाइफ में, करते हैं ना कभी कभी भाई इसको स्किप कर दो दूसरा वाला, यस सर हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे भी वही कहानी है, यहाँ पे आपने टू को क्या कर दिया कंटिन्यू कर दिया, तो ये इस वाली लाइन पे आएगा ही नहीं, ये यहीं पे क्या कर देगा जंप कर देगा बेटा अगला वाला आ जाए, अगला वाला जो एलिमेंट है वो आ जाए, मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे था कौन सा वाला था, टू वाला था, टू ही था ना, टू यहाँ पे हुआ चला उसके बाद इससे कंटिन्यू लगा हुआ है तो उसने कहा अभी इसको स्किप करो फिर से नया वाला है, तो टू के बाद थ्री वाले से प्रोसेस होने लगेगी। और अगर सर प्रिंट जो VAR अपन ने किया है वो कंडीशन से पहले लगा दे तो, हाँ तो पहले प्रिंट ही हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा उसके बाद उसको स्किप करेगा, स्किप करने का काम है उसका, उसको करना है बट उसका फिर उसका मतलब नहीं निकलेगा, पहले वो प्रिंट हो गया है उसके बाद स्किप करेगा तो क्या है कुछ नहीं, जैसे अगर बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, इसका मीन्स ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में ये वाला जब स्टेटमेंट आए और आप चाहते हो कि वहीं से प्रोग्राम क्या हो जाए फिर से लूप को रिपीट कर या बाकी की लाइंस को रीड नहीं कराना है आपको, तो आप उसको कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हो उसे, इज इट क्लियर? जैसे अगर आपको ये टू आ जाए तो टू आने के बाद मुझे यहाँ पे आगे के प्रोग्राम चलाने नहीं, आगे की लाइंस को मुझे एग्जीक्यूट नहीं कराना, जब मुझे आगे की लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं कराना है तो जब रेड और ब्लू शो होगा ना, हाँ तो वो वहां से आपको कंटिन्यू करा देना, तो आउटपुट देख लीजिए यहाँ पे अभी तो आपका आउटपुट आएगा जीरो से स्टार्ट होगा तो रेड भी आएगा और आपका ब्लू भी आ जाएगा, 12 हो जाएगा स्किप क्योंकि ये टू नंबर पे है, उसके बाद अगला वाला आ जाएगा 45, उसके बाद आ जाएगा 45.5, ये देख लीजिए रेड ब्लू 45 एंड 45.5, ये आंसर है ओके। अभी आपका सभी का क्लियर हुआ ये कंटिन्यू स्टेटमेंट,
हाँ तो अभी सर, आप इसमें दो से ज्यादा कंटिन्यू करा सकते हैं। हाँ आप कितनी बार भी, जैसे एक लूप पे तो आप एक ही बार तो करा रहे हो यहाँ पे। हाँ अभी अगर, हाँ जैसे इफ कंडीशन लगा के, जैसे यहाँ पे आपने वी आर इक्वल इक्वल टू किया, यहाँ पे आप दूसरा वाला कंडीशन लगा के भी कर सकते हो, उसमें भी डाल सकते हो सर, एल एफ से। हाँ एल एफ सी यूज करके डाल सकते हो, उसमें अंदर भी डाल सकते हो, राइट। ओके कितनी बार भी यूज कर सकते हो कोई भी चीज। इतना क्लियर हुआ सभी का? जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं एक एलिफ यूज कर लेता हूँ और उसमें भी मैं इसको स्टेटमेंट को डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ थ्री। अभी देखो यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो अभी देखो आउटपुट क्या है। थ्री वाला भी चला गया, थ्री वाले पे क्या था 45, वो भी चला गया 45। यहाँ पे मुझे एलिफ करना है। एलिफ कर देता हूँ तो क्या सही से सही, ठीक है हो गया। इतना क्लियर? यस सर। तो ये देख लीजिए ये सब हो जाएगा। ओके इसके बाद आते हैं हम किस पे, इफ और एलिफ में सभी के क्लियर हो गए थे डाउट? किसी कोई डाउट वाउट हो तो बता दीजिए। ये वाला प्रोग्राम कराया था मैंने लास्ट क्लास में, इसको देख लीजिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको एक करके लिए मैं दूसरा प्रोग्राम दूंगा उसको करके लाओ। बताओ मुझे। इस वाले प्रोग्राम में क्या आउटपुट आएगा बताओ मुझे, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा? बताइए फास्ट सर। इन सारे प्रोग्राम्स जो पूरा का पूरा है इसमें सब में एरियाज निकलेंगे। हाँ सबसे पहले आपको जो आउटपुट आएगा वो आपको आउटपुट में आपको मैसेज प्रिंट होके आएंगे, 1 फॉर एरिया ऑफ सर्किल, 2 फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, 3 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके ये मैसेज आएगा सबसे पहले आपको, क्या आएगा ये मैसेज आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, कोई चॉइस लगाओगे, चॉइस आपने सेलेक्ट किया 1, 2, 3 तो ठीक है। वन करोगे तो आपको एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा, टू प्रेस करोगे तो एरिया ऑफ, टू प्रेस करने पे क्या आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का आ जाएगा, थ्री प्रेस करने पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर इसके अलावा भी कुछ करोगे तो क्या हो जाएगा आपका इनवैलिड आ जाएगा, इनवैलिड। ये देख लीजिए यहाँ पे आया एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप बताओ किस क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो सर? टू, टू पे मैंने एंटर कर दिया, ठीक है टू कर दिया। ओके टू में क्या है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में आपको क्या पता होना चाहिए, एक साइड पता होना चाहिए। तो साइड में कर देता हूँ, हाँ 25 में इसकी साइड कर दिया और एंटर कर दिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आया क्या 625। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो इस तरीके से आप भी एक प्रोग्राम बना सकते हो कैलकुलेटर के लिए बनाने, किसके लिए बनाओगे, कैलकुलेटर के लिए बनाओगे। यहाँ पे वन किसके लिए है उसमें भी आप चॉइसेस डाल सकते हो, उसमें चॉइसेस क्या डाल सकते हो, उसमें कैसे चॉइस डालोगे मुझे बताओ। अभी आपने क्या बोला, ऐसा ही सेम एक प्रोग्राम बना सकते हो, किसके लिए बेटा आप बना सकते हो, कैलकुलेटर के लिए बना सकते हो। कैलकुलेटर में क्या होगा उसमें आप सबसे पहले आप एक नंबर लेने के लिए ए में एक नंबर ले लीजिए, एंटर अ फर्स्ट नंबर, एंटर अ सेकंड नंबर ले लीजिए, एंटर द ऑपरेटर ले लेना। तो जब ऑपरेटर आप प्रेस करोगे प्लस तो वो एडिशन होके आ जाए वो दो नंबर, जब आप ऑपरेटर ऐड करोगे क्या स्टार तो वो क्या हो जाए मल्टीप्लाई होके आ जाए, डिवाइड यूज करो तो डिवाइड होके आ जाए और स्क्वायर यूज करो तो स्क्वायर होके आ जाए। तो सेम इसी तरीके से आपको ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एलिफ का यूज करके, इफ और एलिफ का यूज करके आपको क्या करना है, एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है। अभी देखो इसमें वन प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मैं वन प्रेस करूंगा, एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, वन प्रेस करूंगा। मैंने वन किया और एंटर किया तो रेडियस मुझे बताना, तो रेडियस मैंने 45.5 कर दिया,
एंटर प्रेस कर दिया तो ये रेडियस की नीचे क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ सर्किल निकल के आ गया। यहाँ पे मैं और भी दे सकता हूँ, डेसिमल नंबर दे सकता हूँ एरिया ऑफ सर्किल के लिए, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल के लिए यहाँ पे इनपुट में आपने क्या लिया, फ्लोट टाइप। यहाँ पे फ्लोट टाइप इस प्रॉब्लम, इस प्रोग्राम में किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं है ना तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कराऊँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, इसको सॉल्व करा देता हूँ। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके हो जाएगा ये सभी से, आज मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो होता है वही मैं कराने की कोशिश करता हूँ। हो जाएगा ना बेटा सभी से? Yes, sir. किसी का आंसर ही नहीं आ रहा, इसकी सॉल्व ले लीजिए आप, किसी करके चेक कर लेना। और इसका यूज करके आपको क्या करना है, एक कैलकुलेटर के लिए भी बनाना है, कैलकुलेटर के लिए बनाना आप। अगर मैं टू, पहले तो मैं टू एंटर करने के लिए बोले, फिर मुझे फोर एंटर करने, कुछ भी एंटर करने के लिए बोले, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद कोई ऑपरेटर के लिए मुझे बोले, ऑपरेटर में मैंने प्लस माइनस कुछ भी यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं एस, जैसे ही उसको क्या होगा ऑपरेटर चूज करने के बाद तो मुझे सिंपल सा आंसर आना चाहिए डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे थ्री, तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे थ्री चूज कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, ये वाली सर वो पहले पूछेगा एंटर द साइड। तो जब आप कैलकुलेटर के लिए बनाओगे तो यहाँ पे स्टार यूज कर रहे हो सपोज, तो स्टार जब यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर है ए और बी का, उनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ पे प्लस पूछ रहा है तो आपको ए और बी का ऐड कर देना है एक वेरिएबल में, और सिंपल सा प्रिंट करा देना है एडिशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाईकेशन ऑफ टू नंबर, डिवाइड के लिए डिवीजन ऑफ टू नंबर, तो इस तरीके से आप इनपुट आउटपुट भी दे सकते हैं। ओके इनपुट आउटपुट, तो ये सारी चीज कर सकते हो आप, कैलकुलेटर जैसा बन जाएगा। ओके ये सभी का क्लियर हुआ? ये किसने मुझे बना के भेज दिया है, एक स्टूडेंट ने तो मुझे बना के ही भेज दिया, कॉपी पेस्ट किया है बना के भेजा है सर, पहले ही मैंने बना लिया था। हाँ ये तो इन्होंने फंक्शन यूज किए गए सारे फंक्शंस का, बिना फंक्शंस के बना सकते हैं ना इसको, फंक्शंस बनाने की अभी जरूरत नहीं, फंक्शंस को आप आगे थोड़ा बताऊंगा। ओके इसको मैं मूव कर रहा हूँ, अभी आपको और भी कुछ चीजें मुझे दिखाना है, उनको आपको सॉल्व करना है, आज आपका यही चल रहा है। यस सर। क्वेश्चंस नंबर वन आपको सॉल्व करना है, इसका आउटपुट क्या है प्रेडिक्ट करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है, ए में क्या आंसर आएगा बताओ, चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स कर दीजिए फास्ट। आप प्रेडिक्ट करते जाइए, चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स देते जाइए। दिख रहा है ना सभी को क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए देख लीजिए, यहाँ पे x इक्वल थ्री है, यहाँ पे एक लॉजिकल सॉप कंडीशन लगे हुए हैं जो और एंड लगे हुए हैं, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आंसर्स आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो यहाँ से आएगा सर, या क्या आएगा, ओके यस वेरी गुड, इसका आंसर पहले ओके आएगा सर, क्योंकि वो है ना टू इज स्मॉलर देन x है तो सर वो ट्रू हो जाएगा, एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, बट यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एंड के बाद एक फॉल्स आई, फॉल्स और इससे होगा तो यहाँ पे एक भी कंडीशन सर वो 6 के इक्वल होगा या 5 से छोटा होगा या 2 से, हाँ तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है ना आपकी, ये वाली, अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, उसके बाद ये वाली कंडीशन पहले वाले ट्रू हो, हाँ तो इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो पहली वाली कंडीशन ट्रू है, सीधा आंसर इसका ओके हो जाएगा, नो आउटपुट। नो आउटपुट क्यों आएगा बेटा, ये थ्री है ना वो टू से तो बड़ा है ना, थ्री टू से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन वैलिड हो गई, हाँ वैलिड हो गई तो आंसर ओके आ जाएगा। बी ऑप्शंस में बताइए, तो सर सेकंड तो हो नहीं रही है, हाँ तो ये पहले तो ये वाली चेक होगी ना इधर से राइट साइड से, तो ये चेक हुई तो इसमें से एक कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई इधर आंसर आया सर, सेकंड वाले का बताओ, फॉल्स आएगा सेकंड वाले, फॉल्स आएगा सेकंड वाले का, हाँ अब देखो ये यहाँ पे फॉल्स हो गई, ये कंडीशन हो गई तो ये यहाँ से एक भी कंडीशन ट्रू रहेगी तो ओके आ जाएगा। ओके सेकंड वाले का बताइए, बी का सर
False. सर वो एक्सपेक्ट बिकॉज 2 + 4 = 6 एक आंसर क्या आएगा? एक आंसर आएगा आपका बेटा ओके आंसर ये का क्या है ओके है पर x = 5 अब देखो ये देखो ये हां लेकिन x = 6 तो नहीं ये नहीं हो रही ना ये वाली जो दोनों कंडीशंस क्या होगी बेटा ये जब इनमें से दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा फॉल्स तो यहाँ पे फॉल्स हो गया इस कंडीशन का आंसर पूरा टोटल फॉल्स निकला अब आपका फिर से चेक होगा और इधर है और इधर फॉल्स है तो यहाँ पे ये एक कंडीशन ट्रू हो रही है अगर ये भी फॉल्स हो जाती तो आंसर फॉल्स आता मतलब सर, थ्री, फोर, और सिक्स अगर कोई भी एक कंडीशन होगी तो फिर उसका आंसर ओके आ जाएगा और के साथ अगर और के साथ ये कहानी बनती है तो आंसर अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा अगर ये कंडीशन इसमें एंड होता यहाँ पे भी अगर एंड लगा हुआ होता तो ये फॉल्स आंसर राइट ओके अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया सर वो फॉल्स क्यों होता सर अगर एंड होता आप इसको करके देखना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना सर उसको पहले देखो क्या होता है यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन चेक हुई यहाँ पे आपका फॉल्स हो गया एंड में अब फॉल्स होने के बाद ये वाली कंडीशन चेक होगी यहाँ पे ये ट्रू है इधर एक फॉल्स है तो इनमें से एक भी अगर ट्रू है और के साथ तो कंडीशन ट्रू मानी जाती ओके ठीक अभी देखिए और भी डाउट होगा इसको बना के देख लेना और दो चार बार इसको ट्राई करना ये भी चेक करना इधर एंड लगा के देखना फिर क्या होता है ओके टू लाइंस का कोड है अभी देखिए बी में बी ऑप्शंस में देखिए बी ऑप्शंस में क्या हो रहा है बेटा बी ऑप्शंस देखिए अभी बी सॉरी बी वाला क्वेश्चन देख लीजिए बी में क्या हो रहा है बताओ सर बी में एडिशन लग रहा है कंडीशन ये डली है कि x plus y अगर 10 हो जाता है equal 10 हो जाता है तो ट्रू हो जाएगा वरना फॉल्स हो जाएगा हां तो अभी ये क्या हो रहा है 6 हो रहा है सर वो 6 हो रहा है इक्वल नहीं हो रहा तो फॉल्स आ जाएगा तो सीधी बात आंसर क्या आएगा फॉल्स आ जाएगा गुड वेरी गुड अभी सी वाले को आपको अभी ट्राई नहीं करना क्योंकि मैंने व्हाइल लूप नहीं पढ़ाया आपको सी वाले के अलावा अभी डी वाले भी ट्राई नहीं करना है अभी आपको करना है ई वाला ट्राई ई वाले में क्या हो रहा है बताओ हां ई में आंसर निकालो जस्ट मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आंसर निकाल लिए चैट बॉक्स में कर दीजिए ई का आंसर क्या होना है होने वाला है अभी रेंज फंक्शन कुछ देर पहले ही पढ़ाया मैंने और यहाँ पे फॉर लूप भी है फॉर लूप यूज किया है फॉर लूप के अंदर भी लूप है तो इट मीन आपका नेस्टेड लूप यूज हो रहा है चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं अभी तो फर्स्ट वाले के ही आंसर आ रहे हैं सरद आंसर करो किसका ओके तो आपने ए का किया है ना ई का करना है ई वाला क्वेश्चन सबको विजिबल है ना बताइए आउटपुट क्या आ रहा है एक रिप्लाई आ गया वेरी गुड इतनी देर में तो टाइप करके आंसर बता दोगे आप शिवा का आंसर आया वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा आंसर आया करेक्ट आंसर आया ओके अभी मैं जिससे पूछूं वो बताएगा मुझे आर्यन गुप्ता चलो देवांशु से पूछता हूँ दिव्यांशु से दिव्यांशु सुन पा रहे हो ना मेरे को भी नहीं आया हाँ तो देखो कैसे आएगा बताने वाला तो मैं ही हूँ अभी मैं बता रहा हूँ देखो सबसे पहले यहाँ पे ई वाला दिख रहा है ना आपको ई वाले में हो क्या रहा है यहाँ पे आपको फोर के अंदर फोर लूप के अंदर एक और लूप यूज किया फोर लूप ठीक है
तो यहाँ पे देखो ये एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है, क्या है बेटा? आउटर लूप है एक इनर लूप है। तो आउटर लूप एक बार जैसे फॉर लूप के अंदर होती क्या है कहानी, एक बार अंदर चले जाते हो आप तो जब तक लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्या होता है वो कम चलता रहता है। तो जब आप यहाँ पे एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, चलो ये ले लिया। अभी देखो ये यहाँ से लूप एक्सिट हुआ तो ये इसकी रेंज क्या है बेटा, 2 है। तो ये बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा बेटा बताओ? एक जीरो के लिए चलेगा, 0 1 और 1 के लिए चलेगा। तो यहाँ पे आपका पहली बार जब एक्स लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और देन सेकंड टाइम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली बार जब लूप चल रहा था तब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एक्स की वैल्यू एक बार 0 आ जाएगी, ओके। देन सेकंड टाइम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब दूसरी बार चलेगा तब किस वाले की बात चल रही है, आउटर लूप की बात चल रही है, ये किसकी चल रही है, ओ लूप कर देता हूं मैं, आउटर लूप पर 5 देख रखा है। क्या बेटा आपने पर x=5 देख रखा है, यहां पे 5 क्यों है सर, वो d वाला सोच रहा हूं, d वाला नहीं कर रहा मैं, यहां पे e वाला बता रहा हूं, d वाला तो मैंने बताया ही नहीं, व्हाइल लूप नहीं बताया। तो यहां पे आपका x की वैल्यू जब 0 हुई थी तब ये लूप चला, क्या हुआ बेटा, तब ये लूप चला। तो जब ये लूप चल रहा था x की वैल्यू 0 हुई थी तब, तो फिर ये क्या आ जाएगा, इनर लूप के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा x में, इनर लूप के अंदर आएगा, ठीक है। इनर लूप के अंदर आया तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, अभी 0 थी, बट अगर यहाँ पे इनर लूप के अंदर आया तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू जब इनर लूप चलेगा तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, और सेकेंड टाइम में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इनर लूप भी 2 बार चलेगा ना, यहाँ पे सबसे पहले x 0 के लिए चला और जब इनर लूप में आ गया तो इनर लूप पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू एक बार 1 होगी, एक बार क्या हो जाएगी, 0, पहली बार 0 होगी y की वैल्यू और फिर अगली बार क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये भी तो 2 बार ही है ना रेंज फंक्शन के अंदर। तो अभी देखो पहली बार जब लूप चला तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, y की वैल्यू भी 0 थी, और दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या होगा, 0। हाँ, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0, 0, 0। ये पहला पहली बार जब लूप चला तब हुआ, ओके। अभी लूप क्या है, 3 बार क्या, हाँ अभी देखो 3 बार इसलिए आया, पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और इन दोनों का सम, प्रिंट में तीन की तीन ही बार तो प्रिंट कराया आपने, 3 वेरिएबल्स को प्रिंट कराया, x को, y को और x प्लस y को, तो अभी yes, ये दोनों 0 थे तो ये आंसर इस तरीके का है, ओके। अगली बार क्या हुआ, अगली बार में ये अभी इसके बाहर नहीं हुआ है, ये अंदर वाले लूप के अंदर ही है, तो क्योंकि अभी बाई 2 बार चलेगा ना, एक 0 बार, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए। अभी देखो x की वैल्यू तो 0 है ही पहले से, अभी यहाँ पे बाई की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इतना समझ में आया आपका, हाँ। यस सर, पहले वो y की वैल्यू 0 करके चला फिर y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे x के लिए तो अभी भी वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, अभी 0 है, हाँ, y के लिए y के लिए 1 हो जाएगी, और x प्लस y दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको आउटपुट आ जाएगा, ये जब x क्या हो, 0 के लिए चला था, ओके। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, x फिर से चला रहा हूँ मैं, किसके लिए चलेगा अभी x, ये x अभी इसके लिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 लेके आया, तो 1 लेके आया y 0 के साथ, हाँ, तो अब x की वैल्यू 1 लेके आया x, तो x की वैल्यू अभी क्या है बेटा, 1 है, 1 ही प्रिंट हो जाएगा पहले, तो पहला वाला जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला अभी y की 0 है तो फिर y 0 हो जाएगा, और एडिशन दोनों का ऐड करोगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा, इतना होगा ना सभी का, ओके। अगली बार क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ये भी 2 बार चलेगा ना, तो y भी 1 हो जाएगा, तो पहले x ऑलरेडी 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, y भी 1 हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 2 आ जाएगा। तो इसके जो आउटपुट है वो क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 2, ये इसके आउटपुट। सर ये बता दो x=0 x=1 कैसे आया ऊपर, ओके, x=0 और x=1,
ओके ये कैसे आया? ओके यहाँ पे आपका रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन दिख रहा है ना बेटा? यस सर। तो रेंज फंक्शन में क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे इसकी लिमिट क्या है बेटा? टू है, टू है ना। तो जब इस रेंज फंक्शन की लिमिट टू है तो ये चलेगा जीरो के लिए, इंडेक्स के लिए और वन के लिए, दो ही बार तो चलेगा, एक जीरो एक वन। हाँ यस सर। हाँ तो यहाँ पे आपका एक्स की वैल्यू जीरो हो गई थी, क्यों? क्योंकि पहली बार जब लूप चला रहे हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। अब एक्स की वैल्यू जीरो हुई थी तब ये चला था, अब इसके अंदर एक और फॉर लूप हो गया। एक्स की वैल्यू तो जीरो थी और इसके अंदर एक लूप के अंदर दूसरे लूप के अंदर चला गया, जो पहला वाला लूप था ना उसके अंदर से जाके दूसरे के अंदर चला गया। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या है ऑलरेडी? बाई पहली बार चलेगा तो वो भी जीरो होगा, एक्स की ऑलरेडी जीरो थी और बाई की भी जीरो हुई, तो आउटपुट क्या आया? जीरो 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 थ्री टाइम। उसके बाद हाँ, जो एक्स की वैल्यू जीरो है वो तो ऑलरेडी है ही अभी, क्योंकि ये दो बार चलना है, क्योंकि इसके अंदर एक बार आ गया तो दो बार ही चलेगा ना, तो यहाँ पर जीरो वन के लिए। अब यहाँ पर चेंज होगी किसकी वैल्यू? बाई की, तो बाई की यहाँ पे वन हो गई, तो एक्स की ऑलरेडी जीरो है तो जीरो और बाई की वन हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई का तो वन प्रिंट हो जाएगा, एक्स का जीरो हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो देखो एक्स की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है तो जीरो, बाई की वैल्यू वन हुआ और एक्स प्लस वाई वन एड हो गया, क्या हो गया? वन हो गया। ओके ये तो चला क्या? आउटर लूप जीरो के लिए। अभी वन के लिए जब आउटर लूप चला तो एक्स की वैल्यू क्या हुई सेकेंड टाइम? वन हुई, तो वन हुई और इसके अंदर फिर से आया, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर तो फिर से आया ना। तो पहली बार में तो एक्स बाई की, यहाँ पे बाई दिख रहा ना, ये बाई इससे इसकी चेंज हो रही है, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, एक्स की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू प्रिंट होके वन आई यहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट लिया है हमने इसलिए, और बाई का वैल्यू जीरो हो गया, इन दोनों का एडिशन वन हो गया। इतना क्लियर हुआ ना थर्ड वाला, थर्ड टाइम? इसके बाद आपका बाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगा, एक्स का ऑलरेडी वन है, बाई का वन हो गया और ये दोनों एड होके टू हो गया। तो ये सिंपल सा आउटपुट आया था इसका, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। हाँ उसके बाद एफ बताइए, एफ भी बहुत आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा। एफ का आउटपुट फॉर लूप की आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से, आए हुए 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके बताइए एफ का क्या? कोडिंग के भी, कोडिंग का 12th में रहता है ना पेपर बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन से कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट कोड रहता है 082, 082 सब्जेक्ट कोड रहता है। एफ का आंसर किस किस का आ गया? युवराज सबके आंसर आए हैं प्रॉपर, युवराज से बात दो तीन के ही आंसर आ रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट्स की क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कल से मैं एक टैब यूज कर लूंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा, लूप के चैप्टर में मुझे टैब यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ओके यहाँ पे बताइए बेटा किसी को प्रॉब्लम एफ वाले में? एफ वाले में हो क्या रहा है ये देख लीजिए, एफ वाले में, एफ वाले का आंसर तो सब सबका आना चाहिए था। देखो यहाँ पे रेंज फंक्शन है, अब यहाँ पे इक्वेशन डला हुआ है, तो इक्वेशन क्या डला हुआ है यहाँ पे, कितने आर्गुमेंट वाला रेंज फंक्शन है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, ये वाला रेंज फंक्शन कितने आर्गुमेंट वाला है बेटा? सिंगल आर्गुमेंट वाला है, बट यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेशन दिया, इसको सॉल्व करके इसका पहले चेक करो रेंज फंक्शन में कितना वैल्यू आ रहा है सर? फोर। हाँ फोर आ रहा है ना, तो ये चलेगा जीरो से लेके फोर की, फोर तक चलेगा, जीरो वन जीरो वन टू थ्री चलेगा, जीरो वन टू थ्री चलेगा। ओके सिंपल से यहाँ पे प्रिंट कराया किसको? आई को, तो पहली बार में आई प्रिंट हो जाएगा, आई मतलब जीरो, दूसरी बार में क्या हो जाएगा? वन, तीसरी बार में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? टू, और फोर्थ टाइम पे क्या हो जाएगा? फोर। तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री एंड फोर, आउटपुट क्या आएगा? जीरो। एंड के बाद क्या लिखा है? सॉरी जीरो वन टू थ्री आया, एंड के बाद वो व्हाइट स्पेस दिया हुआ है, जैसे आउटपुट आए ना तो बीच बीच में स्पेस आए, इसलिए आपने एंड और यहाँ पे आपने व्हाइट स्पेस के लिए ये यूज किया है एंड। ओके क्लियर हो रही है ना बात? इज इट क्लियर? आउटपुट क्या आया एफ का बताइए? अब मैंने ही बता दिया,
जीरो आया, वन आया, टू आया, थ्री आया। ओके जी का आंसर बताइए, जी का क्या है? अभी मैंने रेंज फंक्शन यूज किया था, अभी रेंज फंक्शन समझाया था, यहाँ पर थ्री आर्ग्यूमेंट वाला रेंज फंक्शन है, आउटपुट क्या बनने वाले हैं इसके बताइए। सबसे पहले क्या होगा, माइनस हंड्रेड आ जाएगा, स्टार माइनस हंड्रेड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्टेप कितना दे रहा है ये हंड्रेड का, तो माइनस हंड्रेड में प्लस हंड्रेड ऐड होगा तो क्या होगा, जीरो। सेकंड आउटपुट क्या होगा इसका, लूप तीन बार चलेगा, जीरो। अगला वाला जो थर्ड वाला जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हंड्रेड। हंड्रेड के बाद टू हंड्रेड भी आएगा, बट टू हंड्रेड क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम लेंथ है, तो उसका टू हंड्रेड का आउटपुट नहीं आया। कितना क्लियर हुआ ना सभी का, जी के आंसर्स आ रहे हैं सभी के? स्टार स्टार तो वैसे ही मैंने प्रिंट करा दिया है, पहले आएगा स्टार माइनस हंड्रेड, फिर आएगा स्टार जीरो, फिर आएगा स्टार हंड्रेड। ओके सर, आप जो वैल्यू यूज होती है और कहाँ नहीं, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, अच्छा यहाँ पे 200 यूज नहीं हुआ। हाँ 200 तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम वाला तो यूज नहीं होता ना, लास्ट वाला आता नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे माइनस हंड्रेड आ गया, ठीक है, प्रिंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हंड्रेड का स्टेप दिया है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस हंड्रेड और हंड्रेड, ठीक है, वो भी आ जाएगा। उसके बाद जीरो के बाद हंड्रेड का स्टेप लगा तो क्या हो जाएगा, हंड्रेड आ जाएगा। अगली बार हंड्रेड में हंड्रेड ऐड हो जाएगा तो टू हंड्रेड हो जाएगा, टू हंड्रेड तो चलना ही नहीं है इसमें, क्योंकि 199 तक ही तो चलता है, जीरो से लेके 199 तक ही तो चलता है, जैसे अगर रहेगा ये रेंज फंक्शन, तो जैसे यहाँ पर रेंज फंक्शन आया था फोर, जीरो से लेके थ्री तक तो चला था वो। कितना क्लियर हुआ है ना? यस यस सर। हाँ अभी मुझे बताइए एच का आंसर कौन बताए, मुझे सबके चाहिए आउटपुट चैट बॉक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मैं इसको फिर से कराऊंगा, ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। सर ये नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को आते हैं यार क्वेश्चन, अभी नाइन्थ में हो ना आप, इसलिए यही तो लॉजिक है, ये छोटे छोटे लॉजिक बनने लगे फिर ऐसे ही प्रोग्रामिंग के लिए लॉजिक बनने लगते हैं फिर। सर माइनस हंड्रेड एंड जीरो आएगा। हाँ वेरी गुड, देखो सबसे पहले माइनस हंड्रेड है तो माइनस हंड्रेड चल जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद क्या हो जाएगा, जीरो चल जाएगा, और उसके बाद तो हंड्रेड मैक्सिमम ही है उसका, 99 तक ही आएगा तो आएगा नहीं। हाँ तो आपका माइनस हंड्रेड आ जाएगा और जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके ये बना दिया आपने, बहुत अच्छा किया आपने, सारे बना लिए। अभी भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, क्योंकि डाउट जरूर क्लियर करने हैं। इस सीट का डिस्कशन हो गया। ओके अभी देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिख रहा है ना, डी, ये डी दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर दिख रहा है। हाँ तो डी में अभी आपको करना क्या है ये मैं बता, ये दोनों लाइन को अभी क्या कर लोगे आप, ये दोनों लाइन्स को क्या करोगे, इन दोनों लाइन्स को अभी क्या करोगे, वाइट कर, यहाँ पे आप यूज कर लीजिए फॉर लूप, क्या करोगे फॉर लूप, और फॉर में आप यूज कर लीजिए आई, ठीक है, और यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज कर लीजिए, रेंज टेन। ओके इतना कर सकते हो ना, अब इसके आउटपुट बता सकते हो, बता सकते हो आप, ये फॉर लूप में कन्वर्ट कर दिया मैंने, फॉर आई रेंज टेन। फॉर आई अभी इन लगाना है इसमें, इन टेन, अभी ये क्या हो गया, फॉर लूप में कन्वर्ट हो गया, ये फॉर लूप बन गया ना, तो मुझे यहाँ पे फॉर लूप लगा के इसको सॉल्व कराना है, बताओ किस क्या आउटपुट आएंगे, फिर से टाइप कर दूं मैं इसको,
मैं कंप्लीट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, यही वाला था ना अभी, वो वाइल लूप के था, जीरो टू फोर प्रिंट होगा, यहाँ पे मैंने इतना कर दिया फॉर आई रेंज फंक्शन। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको, आई इक्वल इसमें जीरो टू फोर प्रिंट होगा, किसमें, इस वाले में, यहाँ पे तो आई का आई, हाँ आई है तो जीरो से लेके नाइन तक जाएगा ना, रेंज फंक्शन लगा हुआ है, रेंज फंक्शन लगा हुआ है ना, तो कहाँ है रेंज फंक्शन आपका, टेन तक है ना, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक चलेगा वो, ये वाला पहला स्टेटमेंट है इसमें। देन इसके बाद इसमें आपको इफ कंडीशंस मैंने यूज किया, इसमें डाला मैंने आई इक्वल इक्वल फाइव, क्या डाल दिया, आई इक्वल इक्वल फाइव डाल दिया, और यहाँ पे मैंने इसमें मैंने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट जो अभी मैंने यूज किए थे वो है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट आई, प्रिंट आई कॉमा कुछ और भी प्रिंट कराया था मैंने, आई कराना है और बस आई प्रिंट करा, अभी बताओ, ठीक है, अभी बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ये अभी वाइल लूप में पढ़ा था बट मैंने अभी इसको क्या कर दिया फॉर लूप में कर दिया, क्या आएगा इसका आउटपुट सर, जीरो, चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये वाली लाइन को भी हटा देता हूँ, अब बताओ इसका आउटपुट, सर जीरो टू फोर आएगा, जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री फोर, ओके जीरो वन टू थ्री फोर, फोर आंसर आएगा इसका, क्योंकि फोर प्लस वन, नहीं सर वो जो आपने पहले लाइन लिखी थी उसके हिसाब से, जब ये ठीक है आपका जीरो हो गया, ठीक है टू प्लस के तरीके से जाएगा सर, क्योंकि फोर प्लस वन फाइव वहां से ब्रेक कर देगा, जीरो वन टू थ्री फोर इस तरीके से आंसर है, वेरी गुड, अगर मैं आई की वैल्यू वन कर देता हूँ तो क्या जाएगा, वन टू थ्री फोर इस तरीके से, वन टू थ्री फोर, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रेंज किया हुआ है फॉर लूप में डाला हुआ है, तो जीरो टू फोर आंसर आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा और फोर आएगा, टोटल कितने आएगा, टोटल कितने आंसर है, हाँ यस वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये आपसे बन रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है, और भी कोई स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम हो रही हो ना तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है, और सर जी वाला बता दो, कौन सा वाला, जी वाला, सर आज मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा लैग कर रहा है सर, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा सर, चैट फंक्शन खुल रहा है, तभी आपका आंसर नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है अभी जी वाला मुझे बताना है, जी जी किसने पूछा है मुझे, जी वाला यश, ओके तो यहाँ पे देखिए जी वाले में आपको रेंज फंक्शन दिख रहा है, रेंज फंक्शन का लिमिट दिख रहा है, लिमिट क्या है इसका, 200 है इसका, क्या है बेटा हाईएस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 200, तो रेंज फंक्शन जीरो से लेके कहां तक चलने वाला है, 99 तक वाला है, जीरो से 99 तक जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ है माइनस हंड्रेड से चलेगा कहाँ तक जाएगा बेटा, 200 तक जाएगा, 200 हाँ, तो -100 से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट क्या है इसका 200 है, और ये 100 के गैप में जाएगा, हाँ 100 के गैप में जाएगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे स्टार ऑलरेडी है, हार्ड कोडेड है तो स्टार प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट टाइम में -100, ठीक है -100 हो जाएगा, तो पहला जो आउटपुट है इसका लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, तो आउटपुट क्या आएगा स्टार और -100, इतना क्लियर हुआ फर्स्ट टाइम, सर -100 क्यों आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट -100 ना इसका, यहाँ पे ओके सर, स्टार्टिंग पॉइंट -100 है इसलिए इसका -100 आया, अगर यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता तो जीरो आता, अगर हमने यहाँ पे वन स्टार्टिंग पॉइंट कर देते तो वन आता, ओके अभी यहाँ पे -100 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके जब -100 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्टेप लगेगा इसमें 100 का, तो 100 का स्टेप लगा तो -100 और 100 दोनों ऐड होके क्या हो गए
जीरो हो गए, तो अगला वाला जो आउटपुट है वो क्या है, स्टार और जीरो, ठीक है। जीरो से ये बड़ा क्या हो जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा, हंड्रेड भी अभी हंड्रेड हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा, टू हंड्रेड भी प्रिंट हो जाएगा, गुड। देन इसके बाद ये होने के बाद आपका क्या होगा, ये हंड्रेड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टू हंड्रेड हो जाएगा, हंड्रेड में टू हंड्रेड पर आ जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा। अब बताओ टू हंड्रेड प्रिंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट नहीं होती रेंज फंक्शन में, एक कम होता तो चल जाता। तो आपको समझ में आया, स्टार माइनस हंड्रेड, स्टार जीरो और स्टार हंड्रेड, ओके। अभी मुझे बताइए यहाँ पे फॉर लूप में, ये एस वाले में, एच वाला समझ में आ रहा है ना, सेम वैसा ही है, यहाँ पे भी माइनस हंड्रेड से स्टार्ट हुआ है, जीरो भी हुआ है, बट हंड्रेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो है ना रेंज वो हंड्रेड है। इज इट क्लियर? यस सर। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स मैंने आज कराए हैं सर, जैसे जी वाले में माइनस हंड्रेड में पहले हंड्रेड एड हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट आना है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 100 होगा, उसके बाद 100 ऐड हुआ तो जीरो हो गया, आ गया। हाँ, उसके बाद 100 हुआ तो वो हो गया, थ्री टाइम्स चला था तब जी वाला। एच वाला कितना चलेगा, टू टाइम चलेगा, माइनस 100 के लिए चला, उसके बाद जीरो के लिए चला, जब 100 उसका मैक्सिमम वैल्यू है रेंज फंक्शन की तो चलेगा ही नहीं, दो ही बार चलेगा, माइनस 100 और हाँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस हंड्रेड से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम माइनस हंड्रेड आ गया, ठीक है। सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है हंड्रेड का, तो माइनस हंड्रेड और हंड्रेड क्या होता है, जीरो, जीरो जीरो के लिए चल जाएगा। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, जीरो में हंड्रेड एड होगा तो हंड्रेड हो जाएगा, बट हंड्रेड वो मैक्सिमम वैल्यू है तो वो वर्क नहीं चलेगा ही नहीं, तो आपका टू टाइम ही इसको रिपीट हो। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बार बार आया, ओके। मुझे क्या है, अभी आपको डी वाला भी बताना है, तो डी वाला देख लीजिए, डी वाला जो अभी मैंने बताया था ना, वो ये वाइल लूप का है, मैंने बताया था फॉर लूप से, फॉर लूप से मैंने उसको टाइप किया था और उसके बाद मैंने बताया, तो मैंने डी वाले को तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, डी वाले को मैं यहीं पे बता देता हूँ। फॉर लूप और वाइल लूप में अंतर क्या? हाँ, वाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन यूज होते हैं, वो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, और फॉर लूप क्या है, सिंपल सा। तो अभी देखो यहाँ पे मैं एक इन सब लाइंस को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक नया ही ले लेता हूँ, इतना ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रेंज रखा, वो सेम है, आउटपुट सेम आएंगे दोनों के, मैंने अभी यहाँ पे इस तरीके से यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाइल लूप फॉर लूप लिया, इसका रेंज 10 कर दिया, यहाँ पे भी क्या दिया है, ये लेस देन 10 तक चलेगा, आई की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 10, ये इसका मतलब 9 तक चलेगा। हाँ, तो 0 टू 9 ये भी चलेगा, अभी मैंने ये कर दिया। हाँ सर, वो बात तो यहाँ पे सिंपल था, मैंने इफ कंडीशंस लगाया, इफ कंडीशन में यहाँ पे आई की जगह पे वी ए आर है, आई भी यूज कर सकते हो, इक्वल मैंने ले लिया यहाँ पे 5, जब ये 5 आ जाए तो आपको यहाँ से क्या कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंट करा देना क्या, आई की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंट कर, आई की जगह पे हमने क्या यूज किया, वी ए आर, बी आर के बाद हम यहाँ पे ई एन डी यूज कर लेते हैं, इसका मतलब एक ही लाइन में अभी आउटपुट आएगा इसका यूज करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस देके ये कर लेता हूँ, इसको मैं अभी क्या करा देता हूँ, रन करा देता हूँ। अभी देखो इसको मैंने रन कराया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 0, 1, 2, 3 and 4, ये सर क्योंकि वो 5 से ब्रेक हो गया तो 5 से कम की सारी वैल्यूज आ गई, 5 से ब्रेक हो गया तो ये कम की वैल्यू नहीं, तो यही कंडीशंस यहाँ पे हुई है, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले में आउटपुट देखना, ये सेम, अभी यहाँ पे ये मान लीजिए और डी वाला है ना वो, और ये फॉर लूप दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे चेंजेस क्या होने वाले हैं, यहाँ पे कंडीशंस क्या हुई, आई की वैल्यू जीरो है, इससे लेस देन है किससे, 10 से, तो यहाँ पे भी जीरो से लेके 9 तक चलना है, ओके, जीरो प्लस वन से शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, आई प्लस वन कर दिया, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे वन हो गई, तो इस केस में यहाँ पे वन हो गई आई की वैल्यू, अब ये कंडीशन से कंपेयर होगी, वन तो अभी वो तो ये नहीं चला, ये इसके अंदर नहीं गया तो ब्रेक भी नहीं हुआ, तो पहली बार में यहाँ पे क्या होगा, वन प्रिंट हो जाएगा,
सेकंड टाइम में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, टू प्रिंट हो जाएगा, फिर वो वन वैल्यू आएगी तो वन प्लस वन के बाद टू हो जाएगा, फिर उसके बाद थ्री भी प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फोर भी प्रिंट हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे फाइव आएगा तो ये ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला था, वन करके बता दो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू कहीं यूज ही नहीं किया, अगर यहाँ पे हमको करना चाहिए तो कर सकते थे, आई इक्वल आई प्लस वन कर सकते थे, तो अपना भी आउटपुट वही आता ओके जो इनका आया है। जैसे देखो यहाँ पे हमने इफ लिखा था ना, इसके बाद हम ये वाला स्टेटमेंट हम भी यूज कर सकते हैं, वी ए आर इक्वल वी ए आर प्लस वन कर सकते हैं ना। यस ये मैंने यहाँ जब ये यूज किया ओके, फिर तो अपना क्या हो सकता है, देख लेते हैं, जीरो से चला था ना तो आउटपुट वन टू थ्री फोर आ जाए ओके, वन टू थ्री फोर हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो में वन ऐड हो गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया सिंपल। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ तो इसका आउटपुट क्या होगा, वन टू थ्री फोर होगा। मन्नत समझ में आया बेटा? मन्नत कहो सर, आई की वैल्यू जीरो फोर आ जाएगी। अगर आप ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, इन सारे इन डिस्कशन से ही क्या होता है, आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होती है, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। वैसे तो आज मैं आपको व्हाइल लूप और भी आगे बता देता। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करना, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नीड हो तो मुझे बता देना, मैं आपको एक सर आप भेज दीजिए। हाँ 20 स्टार्टिंग से। हाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा ऐसे लूप के और इफ एल्स के, उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है सर, लिस्ट और स्ट्रिंग के भी भेज देना। हाँ हाँ मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, आपको पीडीएफ भेज दूंगा या फिर वो भेज दूंगा, उसमें आप कर लेना, जैसे डीपीपी वगैरह आती है ना उसी तरह। ओके यस सर। अभी मैं क्लास रिकॉर्डिंग भी भेज देना सर। हाँ रिकॉर्डिंग भी। यस सर। यस बेटा। सर कैन यू प्लीज गिव योर नंबर? ओके मेरा ये नंबर है यहाँ पे, ये चैट बॉक्स में दिख रहा है, चलो फिर से टाइप कर देता हूँ, ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है ये वाला नंबर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो। सर विजिबल नहीं है मुझे। आपको चैट बॉक्स नहीं देखा? नो सर, नहीं दिख रहा उसमें। मैं ओके ओके एवरीवन करना था, मैंने सी पर्सनल भेज दिया किसी को। यहाँ पे मुझे किसी सिंगल अभी दिख रहा होगा एवरीवन। यस सर। ओके सभी लीव कर सकते हैं, नेक्स्ट वेज स्टार्ट होगा सारे। Thank you.